अकेले ही बैठूंगी, वो बाकी लोग चुप करके होंगे क्योंकि उनको तो पता नहीं था उसके खिलाफ साजिश हुई। मेरे को जो पूरा पता है उसके खिलाफ साजिश हुई है, मैं क्यों पीछे रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी पीछे। अगर प्रधानमंत्री हमारे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करती हूं, अनायो एसआईसी उसकी जांच करवा ही करवाए। मैं भी प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूंगा, एनआईए और एसआईसी पे सवाल लाती थी छोटी थी जब, मुझे नहीं पता था, मैं कोर्ट पे देखती, मैं बोलती थी उनको, बोलती थी मेरे अंकल है, मैं उनके साथ दुकान पे जाके इनके साथ न्यू ब्लड पे सवाल लाती। आपको पता है, आपको पता है जो आज हमें पता चला है, और हमने देखा कि ट्वीट आया था, नौकरी दे रहे हैं इनके परिवार को मिले, परिवार किसको मिले साहब, आप एलजी साहब, इनके पिताजी तो यहाँ बैठे हुए हैं, बिताजी भट्ट जम्मू में दुर्गा नगर सेक्टर नंबर एक में, माँ यहाँ पे उषा भट्ट बैठी हुई है सेक्टर नंबर एक दुर्गा नगर में, भाई यहाँ पे है, आप किसको मिले, नंबर एक। नंबर दो, हमें SIA स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इंक्वायरी चाहिए, और जो जिस ऑफिस में DC के ऑफिस में काम करते थे उस डिपार्टमेंट की भी इंक्वायरी चाहिए, और ये हमें पता चलना चाहिए कि इस इंक्वायरी में इसके पीछे किसकी साजिश है, और ये तो साजिश नजर आती है। आप कहते हैं कि दूसरे दिन भी आपने वो उनको जो कातिलों को आपने मार दिया है, इनकोटर में मार दिया है, तो अगर आपको ये पता था कि ये दो कातिल है राहुल भट्ट के, तो आपने उसके राहुल भट्ट का शहादत से पहले ही उनको पकड़ के खत्म कर देना चाहिए था। ये बहुत से सवाल खड़े करते हैं, और एक और भी सवाल अभी खड़ा हो रहा है, इतनी जल्दी क्या थी, रात को कत्ल हो, जिनको कत्ल होता है रात को वहाँ पे हॉस्पिटल से रातों रात राहुल की शहादत की लाई जाती है जम्मू में, तो रात को 9 बजे से पहले पहले संस्कार, मैं तो जब घर से निकला था मैंने तो अफसोस और श्रद्धांजलि देने के लिए निकला था, लेकिन जब मैं रूपनगर नाके के पास पहुँचा तो पता चला तो संस्कार भी कर दिया है, तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं, लेकिन संक्षिप्त में यही है कि SIA द्वारा हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और जल्द से जल्द उसके ऑफिस में किसी पहुंच नहीं, बेशक मिलिटेंट्स को मार दिया उन्होंने, मिलिटेंटों को उनको कुछ नहीं होता, अपने अपने माँ बाप को मरने के लिए निकले होते हैं, क्योंकि ना वो शादी करते हैं ना उनकी फैमिली होती है ना कुछ होती है, मगर वो तो उसका तो पता करो जिसने उसको इन्फॉर्मेशन दी कि दफ्तर में बैठा हुआ है, अभी काम कर रहा है, इधर कोई नहीं है, निकाल दिए बाहर, उस वक्त बोला नहीं है इधर इधर राष्ट्र इधर काम ही होगा या क्या नहीं होगा, वो मुझे क्या पता, वो बेचारा अंदर बैठा हुआ था, उसको क्या पता बाहर क्या हो रहा है, वहां क्यों नहीं था कोई क्राउड, जब क्राउड होता क्या पता हाथ धक्का मुक्की में शायद बच जाते, वो भाग जाते, एक गोली लगी वो भाग जाते, मगर मेरे को पूरी जांच ये नहीं जांच होगी तब तक मैं मोदी जी को गवर्नर जी को नहीं छोड़ूंगी, मैं बोल रही हूँ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन